हेलो एवरीवन, यूपीपीसीएस मेंस का एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है और ऐसी स्थिति में आपके पास मेंस के टॉपिक का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक तरफ आप जीएस के रिवीजन तो कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि करंट में आपके परीक्षा में प्रश्न के रूप में कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं। और इसी दृष्टिकोण से हम यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक को जो कि परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि कौन से पेपर हैं जो करंट से रिलेट करते हैं, सबसे ज़्यादा जहाँ से प्रश्न आपको आते हैं, तो आपका जीएस पेपर 2 जिसमें आपको पॉलिटी है और आईआर है, सोशल जस्टिस का टॉपिक है। पेपर 3 अगर आप देखें जिसमें इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है और साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी है। पेपर जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 सबसे ज़्यादा करंट से आपको आते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूपी स्पेशल एक करंट अफेयर का एस्पेक्ट बनता है और इस साल मेंस में यहाँ पर उसके 2 पेपर जोड़ दिए गए हैं। तो हमारा भी फोकस यही रहेगा कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर से रिलेट करते हैं और सबसे ज़्यादा जहाँ पर प्रश्न आपको करंट अफेयर से आते हैं, उन्हीं टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करें। इसके साथ साथ अगर कुछ टॉपिक यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के चर्चा का विषय बनते हैं जो कि करंट में एज ए क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, हम उनको भी इसमें शामिल करते चलेंगे। तो ये सभी आपके सामान्य अध्ययन के पेपर को हम करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से कवर करेंगे, जहां डेली एक टॉपिक का मेंस के हिसाब से आपका विश्लेषण किया जाएगा और आपको यहां पर उस टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है, उसके सभी एस्पेक्ट को देखना है और यदि यहां पर से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर कर सकें, यह सबसे जरूरी एक पहलू रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आज का हमारा जो पहला टॉपिक है जो काफी चर्चा का विषय रहा है और इसमें कई सारे पहलू आपको देखने को मिलते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पर अमेरिका जो यात्रा है, ये राजकीय यात्रा, और देखा जाए तो ये कई सारे पहलुओं में विशेष रही। जहाँ भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर देखे जाएं तो अमेरिकी संसद को यहाँ पर आपको संबोधित करते हैं, योग दिवस में यहाँ पर यूएनओ में शामिल होते हैं, कई सारे रक्षा और अन्य प्रकार के कह सकते हैं समझौतों को लेकर यहाँ पर सहमत होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान को भी यहाँ पर आपको देखा जाए तो घेरते हैं। इन सभी दृष्टिकोणों में देखा जाए तो भारत और अमेरिका संबंधों को आप वैश्विक स्थिति के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जहां अमेरिका जो है भारत के साथ एक बहुपक्षीय सहयोग को प्राथमिकता देता है और एक मजबूत कड़ी के तौर पर अपना सहयोगी के तौर पर 21वीं सदी में देखता है। तो क्या इसके सहयोग भारत और अमेरिका के संबंध के बेहतर होने से, क्योंकि भारत की भी एक स्थिति को अगर हम देखें तो चाइना और पाकिस्तान भारत के लिए हमेशा से समस्या रहे हैं। दूसरी तरफ रशिया के साथ जो भारत के संबंध है वो अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका और रशिया के संबंध यहां पर अच्छे नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से वैश्विक स्थिति में भारत की बढ़ती हुई आर्थिक कह सकते हैं एक स्टेटस जो है वो उसको यहां पर और भी महत्वपूर्ण बना देता है और इस कारण से अमेरिका जैसे देश जो है भारत के साथ एक बेहतर संबंध यहां पर बनाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत की जो आवश्यकताएं हैं वैश्विक स्तर पर एक नेतृत्व प्रदान करना और विभिन्न अपनी रक्षा जरूरतों और भारत के लोगों के कल्याण संबंधित यहां पर डिसीजन को प्राथमिकता देना, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत को यहां पर सीमाओं की सुरक्षा करना उसके लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी पहलुओं के दृष्टिकोण से आज हम अपना टॉपिक का यहां पर विश्लेषण करेंगे कि भारत अमेरिका संबंधों में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा किन पहलुओं से विशेष रही, कौन कौन से यहां पर रक्षा कौन कौन से यहां पर समझौते हुए हैं और यहां पर भारत इससे क्या फायदा होगा। तो चलिए यहां पे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए भारत और अमेरिका के जो संबंधों की अगर आप बात करें तो यहां पे जो एक पहलू आपको देखने को मिलेगा कि चर्चा का जो विषय है करंट में, यहां पे चर्चा का विषय का कारण यही है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी यहां पर अमेरिका की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किए गए थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा। और यहां पर देखा जाए तो ये अमेरिका की भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी यहां पर यात्रा थी, ये 3 दिवसीय यहां पर यात्रा रही और इस दौरान यहां पर देखा जाए तो अमेरिकी संसद को यहां पर दूसरी बार, ठीक है, 2 बार संबोधित करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। पहली बार यहां पर आपको ऑलरेडी 2016 में यहां पर वो संबोधित कर चुके हैं और उसके बाद यहां पे 2023 में अगर फिर से उन्होंने यहां पे संबोधित किया है। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत और अमेरिका के संबंधों को आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो आर्थिक दृष्टिकोण से आपको लगातार एक बेहतर संबंधों को बनाने की जोर देते रहे हैं, व्यापार को बढ़ावा देने की बात करते हैं। लेकिन देखे जाए तो WTO में भारत और अमेरिका के कई सारे विवाद चल रहे थे, दोनों ही एक दूसरे पर कई सारे यहां पर आरोप लगाते रहे हैं और केसेस भी दर्ज किए गए थे। लेकिन हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान अमेरिका ने अपने 3 विवादों को और साथ ही साथ भारत के अपने यहां पर 3 वादों को यहां पर उनके द्वारा यहां पर हटा लिया गया है। तो आइए यहां पर देख
इन विवादों में अगर हम देखें तो अमेरिका के 3 विवाद आते हैं और भारत के भी यहाँ पर 3 विवाद थे। उन तीनों ही विवादों के एक दूसरे पे यहाँ पे केस दर्ज कराए गए थे। जैसे अमेरिका ने जो भारत पर एक विवाद की एक स्थिति के तौर पर कि सौर सेल और सौर मॉड्यूल को लेकर विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के खिलाफ कुछ निर्यात संबंधी और अमेरिका के कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क भारत के लगाने का विरोध किया था और उस पर यहाँ पर WTO में उन पर केस दर्ज कराया था। उसी तरीके भारत को अगर हम देखें तो भारत ने भी अमेरिका पर 3 इस तरीके के आरोप लगाए और विवाद थे वहाँ पर। पहला कि भारत के कुछ हार्ड रोल्ड कार्बन स्टील फ्लैट उत्पादों के विरोध में अमेरिका के द्वारा जो उपाय किए गए थे उसका उन्होंने केस यहाँ पर दर्ज किया था। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र संबंधित यहाँ पर अमेरिका के कदम और इस्पात एल्यूमिनियम उत्पादों के लिए किए गए विशेष उपायों को लेकर के अमेरिका के द्वारा भारत और अमेरिका यहां पर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। लेकिन इस यात्रा के दौरान अमेरिका ने अपने 3 और भारत ने अपने 3, इन तीनों ही 3 अर्थात टोटल 6 विवाद जो WTO में लंबित थे उन्हें यहां पर समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा देखें भारत और अमेरिका के संबंधों में व्यापार एक महत्वपूर्ण पहलू है और देखा जाए तो अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निर्यात भागीदार है। ये भारत के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा यहां पर इंपॉर्टेंट कंट्री के तौर पर अमेरिका उभरा है। दूसरा देखा जाए दो वित्त वर्ष 2023 में दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक वस्तुओं का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो अब तक $128.78 अरब तक पहुंच चुका है और ये सबसे बड़ा यहां पर पक्ष है दोनों ही देशों के व्यापारिक दृष्टिकोण से। दूसरी तरफ देखें जो वाणिज्य दूतावास है उसमें अगर हम देखें तो अमेरिका के द्वारा बेंगलुरु और अहमदाबाद में और भारत के द्वारा सिएटल में वाणिज्य दूतावास इसीलिए खोलने का निर्णय लिया गया है और भारत के नागरिकों के 1B तथा L श्रेणी की वीजा नवीनीकरण भी यहां पर देखा जाए तो अब भारत में हो सकेगा, इसका भी निर्णय अमेरिका के द्वारा लिया गया है। और भारत की वीजा संबंधी जो कई सारी दिक्कतें थी, कई सारे यहां पे पहलू इसमें आते हैं, उसको लेकर के एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक अभूतपूर्व यहां पर एक निर्णय है कि भारत को यहां पर अब वीजा संबंधी जो भारतीयों को दिक्कत थी अमेरिका जाने में, खासकर 1B और L संबंधी जो श्रेणी से रिलेटेड वीजा है वो अब भारत में ही उसका यहां पर समाधान होगा, वो भारत में यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके साथ साथ भारत के 6 अन्य यहां पर वाणिज्यिक दूतावास अमेरिका में है जिसमें आपको Washington DC, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, ह्यूस्टन और अटलांटा, ये 6 शहर हैं जहां पर आपके भारत के वाणिज्य दूतावास हैं और ऑलरेडी यहां पर सिएटल में एक और वाणिज्य दूतावास यहां पर खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत की जो अन्य क्षेत्रों में अमेरिका के इस दौरे में यहाँ पर फायदा हुआ है, संबंध बेहतर बनने की ओर देखा जा सकता है। एक है यहाँ पे तकनीकी क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि देखा जाए तो भारत और अमेरिका ने विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी के क्षेत्र में बहुत बेहतर और आगे भविष्य की ओर एक साथ बढ़ने का यहाँ पर डिसीजन लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के लिए होने वाली दोनों देशों के बीच एक बाजार की एक स्थिति है। तो दोनों बाजारों के ऑपरेटरों तथा वेंडरों के साथ मिलकर के परीक्षण करने के लिए US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन वित्त यहां पर मदद करेगा। इसके साथ साथ देखिए 5G और 6G तकनीकों में शोध तथा विकास केंद्रित उन्नत संचार के लिए 2 संयुक्त कार्यबल भी गठित करने का भारत और अमेरिका ने यहां पर निर्णय लिया है। तो इन दोनों ही चीजों को ऑपरेट करने के लिए भारत में 5G और 6G के विस्तार को लेकर, उसमें शोध इत्यादि को लेकर और साथ ही ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क को लेकर के 2 संयुक्त कार्यबल गठित किए जाएंगे और साथ में मिलकर के इसमें कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खनन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है कि वैश्विक स्तर पे चाइना की जो एक बढ़ती कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स को लेकर, लिथियम कोबाल्ट जैसे कह सकते हैं कि उत्पादों को लेकर एक उसकी वैश्विक जो पैट है उसको कमजोर करने के लिए अब यहां पर वैश्विक देशों के द्वारा यहां पर जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें भारत भी अब शामिल हो गया है। यहां देख सकते हैं वैश्विक खनिज सुरक्षा साझेदारी में भारत यहां पर अब शामिल हो गया है और अमेरिका, यूरोपीय संघ, G7 यहां पर ऑलरेडी यहां पर इसके सदस्य हैं। तो भारत यहां पर इसमें वैश्विक खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल हो गया और इसके माध्यम से देखा जाए तो इसका जो लक्ष्य है कि लिथियम कोबाल्ट खनिजों के खनन में चीन के दबदबे को कम करना है। वैश्विक खनिज सुरक्षा जो साझेदारी है इसका जो गठन हुआ था June 2022 में हुआ था। इसके अलावा देखा जाए तो आपको सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी आपको कई सारे चीज़ें देखने को मिलती हैं। सेमीकंडक्टर देखा जाए तो मोबाइल चिप, लैपटॉप इत्यादि में यहाँ पर चिप्स के रूप में चिप जो बनाए जाते हैं वो सेमीकंडक्टर से ही आपको बनाए जाते हैं और इसके कारण अगर देखा जाए तो भारत में यहाँ पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक तेजी से विकास होने के लिए सेमीकंडक्टर्स का विनिर्माण अगर स्टार्ट हो जाता है तो ये भारत की वृद्धि, आर्थिक व्यवस्था और IT सेक्टर्स और अन्य क्षेत्र के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनियों ने भारत में करीब $3.15 अरब के निवेश की घोषणा की है।
क्रिटिकल व इमर्जिंग प्रौद्योगिकी AI क्वांटम प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष क्षेत्र में तकनीकी हस्तांतरण पर भी देखा जाए तो अमेरिका सहमत हुआ और इसके माध्यम से भारत को उच्च तकनीकियां जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में वो प्राप्त होंगी और इसके माध्यम से भारत में कई तकनीकी स्तरों पर विकास, कई नए प्रौद्योगिकियों का विकास, कई नए यहाँ पर आपको चीज़ों का निर्माण, आपको नवाचार में एक तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो माइक्रोन सौदा भी यहां पर हुआ है। इसके माध्यम से मेमोरी चिप का जो इस्तेमाल होता है मोबाइल में, सर्वर में, वाहन में, लैपटॉप के लिए 8 अलग अलग उत्पादन श्रृंखलाओं के द्वारा निर्माण होगा। फैब यूनिट लगाया जाएगा और अप्लाइड मटेरियल्स $30 करोड़ का इसमें निवेश किया जाएगा। अप्लाइड मटेरियल्स को लेकर देखा जाए $30 करोड़ के निवेश पर सहमत हुए हैं और इसके भारत में कलपुर्जों के लिए आपूर्ति श्रृंखला भी इसके माध्यम से बनेगी। मशीनों का निर्माण जो होगा वो भी भारत में किया जा सकेगा। 2024 में देखें तो नासा और इसरो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन संयुक्त मिशन भेजने पर भी आपको सहमत हुए हैं। इसके अलावा हरित ऊर्जा क्षेत्र के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो दोनों देशों ने कार्बन जीरो या कार्बन शून्य उत्सर्जन स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग हेतु $अरबों के निवेश कोष का यहां पे ऐलान किया है। भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन अमेरिका का हाइड्रोजन एनर्जी अर्थ शॉर्ट के तहत पर्यावरण के अनुकूल हाइड्रोजन को किफायती बनाने के लिए यहां पे साथ काम करेगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने, विकसित करने पर जोर दिया गया और इसी साल जुलाई में इसे शुरू किया जाएगा और अमेरिका देखा जाए तो इसका संस्थापक सदस्य रहेगा। भारत में देखा जाए 6 परमाणु रिएक्टर के निर्माण में अमेरिका का बातचीत कर रहा है और NPCIL WEC के मध्य अगली पीढ़ी के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीकी विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अर्थात भारत में देखा जाए तो नए परमाणु रिएक्टर बनाए जाएंगे। भारत की जो ऊर्जा आवश्यकता है उसकी पूर्ति के दिशा में यहां पर अमेरिका जो कि तकनीकी तौर पर यहां पर सक्षम रहा है, पिछले कई सालों से यहां पर अमेरिका लगातार भारत के परमाणु चीजों का यहां पर विरोध करता रहा है, लेकिन हाल ही फिलहाल अगर वर्षों में देखा जाए तो अमेरिका लगातार भारत का सहयोग करता रहा है। यहां तक कि अमेरिका के द्वारा भारत को एनएसजी का सदस्य बनाने का भी यहां पर सहमत हुए हैं, उसका भी वहां पर उन्हें समर्थन दिया गया है। एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कूटनीतिक जीत के तौर पर भी इसे देखा जाता है कि एक देश जो भारत का विरोध करता रहा है पिछले कई सालों वर्षों में, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा सहयोगी बनने की ओर लगातार यहां पर अग्रसर है। इसके अतिरिक्त भारत अमेरिका एक भुगतान सुरक्षा प्रणाली भी बनाने को तैयार हो रहे हैं, उस पर काम किया जाएगा और इसके जरिए भारत में करीब 1000 इलेक्ट्रिक बसें जो देश की सड़कों पर उतारने के लिए काम किया जाएगा। देश में देखा जाए तो 2030 तक भारत में करीब 40% ई बस का संचालन करने में इससे मदद मिलेगी और भारत में नई अक्षय ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज, पर्यावरण अनुकूल नई प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को गति देने के लिए सस्ती पूंजी भी उपलब्ध कराएगा। भारत देखा जाए तो एक ऐसे देश के तौर पर उभरा है वैश्विक स्तर पर जो लगातार पर्यावरण अनुकूल डिसीजन लेता रहा है और इस दृष्टिकोण से वो लगातार आपको इसमें प्रयास करता रहा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग करने को लेकर हो, चाहे वहां पर ऊर्जा खपत को सुनिश्चित करने को लेकर हो, चाहे वो कोयले के उत्पादन को या ऊर्जा के उत्पादन के दृष्टिकोण को नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा, सोलर सेल, पवन ऊर्जा, इथेनॉल का प्रयोग, जैसे कई यहां पर डिसीजन भारत के वैश्विक स्तर पर देशों को एक नेतृत्व यहां पर प्रदान करता है। इसके साथ साथ देखे जाए तो आतंकवाद को लेकर भी यहां पर दोनों ही देशों के द्वारा एक यहां पर कहते हैं स्पष्ट यहां पर बात की गई। दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा एक संयुक्त वार्ता में पाकिस्तान का यहां पर सीधे सीधे नाम लिया गया है आतंकवाद को लेकर और यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि भारत देखा जाए तो लगातार पाकिस्तान को, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रहा हो या भारत के द्वारा द्विपक्षीय संबंधों के स्तर पर, यह सभी कहता रहा है कि भारत आतंकवाद को किसी भी तरीके स्वीकार नहीं करेगा और पाकिस्तान यहां उसका जो पड़ोसी देश है लगातार यहां पर आतंकवादियों को सपोर्ट करता रहा है। इसलिए भारत का यहां पर देखा जाए तो एक संयुक्त वार्ता में अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन के द्वारा भी यहां पर पाकिस्तान का सीधे नाम लेना इस तथ्य को दर्शाता है कि भारत ने कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ी जीत हासिल की है। इसके साथ साथ देखा जाए तो परोक्ष तौर पर चीन को भी निशाना यहां पर साधा गया है। आइए देखते हैं क्या रहा है विशेष पहलू इसमें। देखिए आतंकवाद पर मोदी और बिडेन ने यहां पर संयुक्त वक्तव्य में पाकिस्तान का यहां पर नाम लिया है, पहली बात। तो दूसरी चीज जो इसमें देखिए मोदी ने क्या कहा, मोदी जी ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने पर कोई किंतु परंतु नहीं, पाकिस्तान सुनिश्चित करे कि उसकी जमीन का जो इस्तेमाल है वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ अलकायदा है, जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों खिलाफ ठोस कदम उठाने की भी यहां पर अपील की गई है।
दूसरी तरफ आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत अधिक सहयोग की बात की गई है, क्योंकि आतंकवादियों को जो वित्त पोषण होता है उसी वित्त पोषण के माध्यम से वो विभिन्न प्रकार के हथियार इत्यादि को खरीदते हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं और उसके माध्यम से यहां पर ये अंजाम दिए जाते हैं आतंकवादी घटनाओं को। तो फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है वो यहां पर इसी तरह के वित्त पोषण की गतिविधियों को रोकथाम करने का प्रयास करता है, देशों की सूचियों को ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और इस तरह से करने का प्रयास करता है, उन पर यहाँ पर एक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर भारत और अमेरिका के संबंधों में मोदी जी की ये राजकीय यात्रा यहाँ पे कई मायनों में महत्वपूर्ण है और भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर के यहाँ पर आपके लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर के IR में आपके लिए क्वेश्चन ये बन सकता है, इस साल के मेन्स में ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ पर रिविजन कर लीजिएगा, सभी टॉपिक एनालिसिस यहाँ पर जो आपको करना है, जो टॉपिक्स हैं दिए गए हैं अब उनको यहाँ पर देख लेना है। इसके लिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा, वो आपको कम्युनिटी बॉक्स में यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा, वो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट सेशन में एक और करंट के टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही किसी और विशेष पहलू को जो कि आपकी परीक्षा के लिए यहाँ पर जरूरी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।